नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टोटल पोस्टों के बारे में। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोटल 3495 पोस्ट पर पोस्ट वैकेंसी निकाली हैं, जिस पर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन आमंत्रण किए हैं। कितने? 3495 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्म कब से भरे जाना है तो यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, फॉर्म की आरंभ तिथि है 6 दिसंबर 2018, यानी कि आप 6 दिसंबर से इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 26 दिसंबर 2018। ठीक है, यानी कि आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने में। कितने दिन का? 20 दिन का टाइम मिलेगा। दोस्तों, फीस की बात करें तो यहाँ पर फीस अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगी। यहाँ पर दोस्तों, पोस्ट कोड के लिए, दोस्तों पोस्ट कोड एक और दो अलग अलग पोस्ट कोड दिए हैं, जिसमें से पोस्ट कोड एक और दो पद के लिए आपको जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपये रहेगी, एससी और एसटी वालों को रहेगी कितनी? 400 रुपये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अन्य पदों के लिए सभी के लिए कितनी? 400 रुपये रहेगी। जो कि अन्य पद रहेंगे उनके लिए जनरल और ओबीसी वालों को 400 रुपये, और एससी और एसटी वालों को रहेगी कितनी? 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लोकेशन की बात करें तो दोस्तों नौकरी का जो स्थान रहेगा वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों आयु की बात करें तो एज लिमिट की, दोस्तों एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2018 को 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा का नाम व योग्यताओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम जान लेते हैं। दोस्तों, पद है यहाँ पर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी में है प्रोसेस सर्वर, चपरासी या स्वीपर। दोस्तों, यह पोस्ट है यहाँ पर। दोस्तों, जानते हैं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर पर हैं 412 पोस्ट हैं। ठीक, कितनी? 412 पोस्ट हैं। इसके बाद अगला है जूनियर असिस्टेंट। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 1484। कितनी? 1484। और इसके बाद ड्राइवर की बात करें दोस्तों, ड्राइवर की पोस्ट हैं टोटल हैं कितनी? 40। इसके बाद ग्रुप डी की बात करें दोस्तों, ग्रुप डी में प्रोसेस सर्वर है, जैसे यह और चपरासी और स्वीपर, इनकी टोटल मिलाकर है 1569 पोस्टें। ठीक है, कितनी? 1559। स्टेनोग्राफर की 412, जूनियर असिस्टेंट की 1484, ड्राइवर की 40, और प्रोसेस सर्वर्स और चपरासी स्वीपर्स की है 1569। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी आपकी। दोस्तों, जो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, दोस्तों स्टेनोग्राफर की जो क्वालिफिकेशन रहेगी है दोस्तों, ग्रेजुएट व सीसीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएट व सीसीसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए कम से कम 12वीं पास और सीसीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं ड्राइवर के बारे में। तो ड्राइवर के लिए दोस्तों 10वीं पास व ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बाद ग्रुप डी की बात करते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में प्रोसेस सर्वर जो रहेंगे इनके लिए 10वीं पास, और जो ग्रुप डी में चपरासी रहेंगे दोस्तों, इनके लिए केवल और केवल 8वीं पास ही अनिवार्य है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जो स्वीपर रहेंगे इनके लिए मिनिमम 26, यानी कि 26 सॉरी दोस्तों 6 छठवीं पास होना जरूरी है। कम से कम छठवीं तो पास होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अपन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, आवेदक आवेदन फॉर्म को 26 दिसंबर 2018 तक
ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? 26 दिसंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया रहेगी, सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का चयन शारीरिक दक्षता, लिखित एवं ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्या शारीरिक दक्षता, लिखित और ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोस्ट की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नया अपडेट या वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।